तो हे गाइस, आई एम इम्तियाज अली, कैम बैक विद न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ होल बॉडी वर्कआउट। आप कहीं पर भी कर सकते हो और कभी भी, और बिना जिम के घर पे रहकर, और अपने फैट को लॉस कर सकते हो और अपने मसल को ग्रो कर सकते हो। लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। वार्म अप करना जरूरी है, वरना आपको इंजरी हो सकती है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले करना है लेग्स का, तो लेग्स से स्टार्ट करते हैं सुमो स्क्वाट से। चलो आपको दिखाता हूँ। आपको शोल्डर से वाइड रखना है पैर को, और हाथ से फोल्ड करना है, ऐसे बैठना है। हाँ, सुमो स्क्वाट बोलते हैं इसको। जंप करा है, जंप एंड जॉय, जंप एंड ओपन, ये करना है। इसके बाद मैं आपको साइड से दिखाता हूँ सेम चीज। आपको बॉडी पोस्चर कैसे रहना चाहिए, सिर्फ बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ को फोल्ड करो, जंप एंड ओपन, जंप एंड ओपन। तो ये आपको करना है। स्क्वाट्स कितने करना है, 12 रिप्स करना है, और सेट्स 3 सेट्स करने हैं इसके। अभी जाते हैं हम, आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, या टेबल या तो बॉक्स, या तो आप चेयर भी यूज़ कर सकते हो, चेयर भी। तो ऐसे इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपका जो टो एंगल है वो वहाँ पर टच करना है, और ऐसे ऐसे रहना है। उसके बाद हाथ से फोल्ड करना है, और इन्हीं को टच करने की ट्राई करना है फ्लोर पे, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है बस। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, आगे देखना है, फोकस से करते रहो। सेम थिंग अदर लेग, इसके भी सेम करना है आपको। 12 रेप्स करना है और 3 सेट्स। अभी जाते हैं कोर का वर्कआउट। जो आप यहाँ का जो साइड का फैट होता है, तो उसके पहले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लेटना है, ऐसे लेट के पैर को फोल्ड करना है, हाँ, और ये जो हाथ है उसको टच करना है, ऐसे साइड से हील को टच करना है, हील को टच करना है बस, ऐसे रखना, पैर को फोल्ड करो, और साइड से ये हाथ को हील को टच करना है, 1 2 3 4 ऐसे करना है। ये हुआ आपके साइड का, सेम ये करना है आपको, ओके। अभी इसके बाद क्रंचेस करेंगे। क्रंचेस में क्या करना है आपको, फिर को फोल्ड करना है ऐसे, और उठना, 1 सेम थिंग। आपके यहाँ पे लॉक करके नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे हाथ से खुले रखकर भी कर सकते हो। सेम ये भी उतना ही करना है, 15 रेप्स और 3 सेट्स। तो अभी जाते हैं शोल्डर का। तो शोल्डर क्या करना है आपको, पुशअप करना है। अब पता है मेरे कोई भी लोग पुशअप नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेट पुशअप, तो उनके लिए भी है। और जो पुशअप नहीं कर पाते हैं स्ट्रेट पुशअप्स, ये वाला प्रॉपरली, तो उनके लिए नी पुशअप्स है, जो आप इजी से कर सकते हो, ऐसे हाथ को फोल्ड कर सकते हो आराम से, जाओ तो वापस या। तो इसमें ध्यान रखना कि आपका हिप ऐसे ना रहे, कोई को लोग ऐसे करते तो ये पुशअप वेस्ट है। जब ये पुशअप करोगे तो उसमें आपका बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो जब भी करोगे तो आप जो हिप वाला पार्ट, जो हिप है उसको पूरा नीचे जाना से जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। ये हो पुशअप्स। अभी जाते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्लैंक। जैसे प्लैंक होता है कोर के लिए भी होगा, हाथ के लिए भी, दोनों के लिए इफेक्ट करेगा। तो आपको देखा था प्लैंक से क्या करना है, आपको होल्ड करके प्लैंक अप डाउन, ये। तो इसको कैसे काउंट करोगे आप, इसको यहाँ से होल्ड करोगे जब भी यहाँ से, तो ये हुआ 1, तो ऐसे आपको काउंट करने 12 रेप्स और 3
सेट्स करना है इसके भी, ये इसलिए शोल्डर के लिए भी होगा और कोर के लिए भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और गाइस कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।